नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड, और आज हमारे पास है दोस्तों ग्रीन कलर का हैंड ग्राइंडर जो कि DCA कंपनी का है। दोस्तों इस हैंड ग्राइंडर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसका जो आर्मेचर ख़राब है, तो हम जो दोस्तों इसमें आर्मेचर रिप्लेस करने वाले हैं। हमारे पास दो जो कंपनी है, दो कंपनी के आर्मेचर है, अल्फा और DCA। तो दोस्तों इस हैंड ग्राइंडर को हम कंप्लीट आपको खोलकर चेक करके बताएंगे किस कारण से इसका जो आर्मेचर ख़राब हुआ है। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हैंड ग्राइंडर का जो अंदर आग भी लग जाती है, तो उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एक बार हम इसे खोलकर चेक करेंगे फिजिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि स्पार्क कर रहा है, तो हम इसमें कार्बन भी इसमें अभी नहीं डाल रहे, बाकी एक बार इसको हम खोलकर चेक करेंगे पहले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। तो दोस्तों फर्स्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी नॉलेजफुल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिजिकली हमने चेक कर लिया है अंदर से, फील्ड और आर्मेचर कहीं से ब्लास्ट है नहीं, कहीं से भी जले हुए नहीं है। तो वापस से हमने सिर्फ देखिए आर्मेचर को यहाँ पे लगा दिया है, और इसकी जो बोल्टिंग है हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, हल्का सा इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्री हो चुका है, और इसमें जो नए कार्बन बूस है हमारे वो लगाकर टेम्परेली इसको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर स्पार्क आता है या आर्मेचर ये चलता है नहीं चलता है, क्योंकि देखने में आर्मेचर है ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर हमने दोनों कार्बन इसके लगा दिए हैं, और ये देखिए जो पीछे का जो हैंडल का कैप है हमने यहाँ से खोल दिया है, स्विच वाला कनेक्शन बॉक्स यहाँ से खोल दिया हमने, ताकि यहाँ से स्पार्क हमको दिख जाए। तो एक बार हम चला कर चेक करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पार्क आ रहा है, मशीन के जो RPM है वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, और साउंड भी मशीन का बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए इस टाइप से यदि आप मशीन को चेक करते हैं तो आपको पूरी सावधानी रखनी है, बिल्कुल कोई वायर के आपका हाथ भी टच नहीं होना चाहिए, और आगे से जो हमारा आर्मेचर की जो आगे वाला जो बैरिंग प्लेट है उसको भी पकड़ के रखना होता है, उसके बाद ही आपको चलाकर चेक करना है। इस चीज़ की हमेशा सावधानी रखें दोस्तों। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसका जो मॉडल है मैंने आपको बता दिया था, बाकी ये 100D इसका मॉडल है। चलिए यहाँ पे हम पूरा जो कनेक्शन है इसका खोलना होगा, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो ये देखिए यहाँ से स्विच के ऊपर से भी इस वायर को हमें खोल लेना है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग 12 मिनट का ये वीडियो है, बाकी इस वीडियो के अंदर आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों ये देखिए पूरा जो बैक कवर है इसका, यहाँ पे बैक हैंडल है जो कनेक्शन बॉक्स, इसको हम ब्लैक कलर का जो भी इसका पूरा यहाँ पे ये पार्ट है इसको यहाँ पर अलग कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों दो पेचों से रुका होता है ये, देखिए यहाँ पर अलग हो चुका है काफ़ी आसानी से, और ये देखिए इसमें कितनी वूलन, जो ब्लैक कलर की वूलन और कार्बन यहाँ पर जमा हुआ है। इसके रीज़न से दोस्तों यहाँ में जो ये SS वर्क करने वाले जो हमारे फैब्रिकेटर वर्कर होते हैं उनके जो हैंड ग्राइंडर है उसमें इसी टाइप का ये देखिए कार्बन और कॉटन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है अंदर की तरफ, और उसी कारण से दोस्तों इस हैंड ग्राइंडर में आग भी लग जाती है, और फील्ड आर्मेचर दोनों भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस ये जो हमारे फैब्रिकेटर वर्कर होते हैं उनकी मशीनों में इस टाइप की डस्ट और ये कॉटन मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए पूरा फील्ड को हमें बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही पूरा साफ़ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो डस्ट और कार्बन इसके अंदर जमा हो रखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि आप फैब्रिकेटर का वर्क करते हैं तो आपको हमेशा मशीन को लगभग 15-20 दिन में पूरा सर्विस करवा लेना है, जिससे कि आपकी मशीन के फील्ड आर्मेचर हैं जो सेफ रहें, जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा डस्ट इसके अंदर जमा हुआ है, पूरे फील्ड को बिल्कुल कवर कर रखा है ये देखिए, जो कि डस्ट के पॉलिशिंग व्हील वगैरह होते हैं जो कंप्लीट यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा जमा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट। और ये देखिए डस्ट, टूथब्रश से हम इसको साफ़ करेंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, पूरे फील्ड को अंदर बाहर से दोस्तों अच्छे से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल कहीं पे भी हल्का फुल्का कोई भी डस्ट नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ आर्मेचर रिप्लेस नहीं करना है, बाकी पूरा वर्क करके देना है मशीन, ताकि अच्छे से लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ चले। तो दोस्तों यहाँ पे फील्ड हमारा पूरा कंप्लीट कर दिया, और देखिए लगभग कितना सारा कचरा इसके अंदर से निकला है। फील्ड को चलिए वापस से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे फील्ड लगाने के लिए दोस्तों ये देखिए इस टाइप से फील्ड को लगाकर और पीछे की तरफ से जो वायर हैं इनको बाहर निकाल लेंगे ये देखिए, और
सीन को यहाँ पे थोड़ा ठोक लेंगे इसको। तो ये देखिए बिल्कुल फील्ड हमारी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, अंदर की तरफ देखिए पूरा बैठ चुकी है। और हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे, ये दोस्तों दोनों पेच हैं जो फील्ड के, इनको ज़रूर आपको प्रॉपरली टाइट कर लेना है ताकि मशीन चलते वक्त फील्ड है जो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो दोस्तों फील्ड हमारी वापस से बिल्कुल सेट हो चुकी है मशीन के अंदर। तो ये देखिए इसके बाद में दोस्तों ये जो कार्बन होल्डर हैं इसके, इनको हम वापस से यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे। दोस्तों लेफ्ट वाला वायर है जो राइट साइड जाएगा और राइट वाला हमारा लेफ्ट साइड जाता है, उसी टाइप से हमारे कार्बन लगाने। और इसके बाद में ये देखिए दोनों जो सप्लाई के वायर हैं इसके पीछे की तरफ निकाल कर, और यहाँ पे जो इसका बैक हैंडल है जो कि कनेक्शन बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कनेक्शन बॉक्स और हैंडल पूरा एक साथ ही है इसका। और ये देखिए स्विच का वायर यहाँ पे वापस से हमने यहाँ पे कस दिया है जो कि हमने यहाँ से लूज किया था। और एक वायर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर, काफ़ी अच्छी बात है कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, किसी भी टेप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कनेक्टर के अंदर दोनों वायर हमारे स्विच पे और कनेक्टर में लग चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पुराना आर्मेचर है जिसपे से जो हमारे बैरिंग है दोस्तों इसके, ये हमें निकालने होंगे। 608 नंबर के दोनों बैरिंग यूज होते हैं इस मशीन में, 100D मॉडल है इसका। तो ये देखिए आगे का जो इसका गेयर है काफ़ी टाइट है, तो हम वाइस के अंदर लगाकर इसको इस टाइप से आराम से खोल लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जो प्लेट है इसको भी यहाँ पे हमें निकालना होगा, तो इसको भी हम पुलर से ही इस टाइप से आसानी से दोस्तों निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो आगे वाला बैरिंग प्लेट है वो भी बैरिंग सहित निकल चुका है। तो ये आर्मेचर है दोस्तों इसका ख़राब है, चलने में ठीक नहीं है, देखने में ठीक लग रहा है, तो हमें आर्मेचर रिप्लेस करना है। तो दोस्तों दो टाइप के आर्मेचर है हमारे पास अवेलेबल, DCA जो कि हमारा ओरिजिनल है इसी ब्रांड का है, और अल्फा का भी दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो आर्मेचर है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप ये देखिए जो हमारा DCA वाला आर्मेचर है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने कई मॉडल में इसका पहले भी कई ग्राइंडरों में हमने डाला है इसको। और ये देखिए हमारा जो ग्राइंडर में नया आर्मेचर हम जो कि ये देखिए अल्फा के नाम से आता है दोस्तों, प्रोफेशनल जेनुअल स्पेयर पार्ट्स है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी दोस्तों इसकी। अल्फा का जो ओरिजिनल जो स्पेयर पार्ट्स आता है काफ़ी अच्छा आता है दोस्तों। तो दोस्तों रेट की बात करें तो जो अल्फा वाला हमारा आर्मेचर है ये देखिए, इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो मॉडल है PD100D इसका यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है इस पर, और क्वालिटी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पूरा जो आर्मेचर की वाइंडिंग है पूरी कॉइल बिल्कुल कवर्ड है धागे से, जो कि कई बार बैरिंग वगैरह टूटने पर डैमेज भी नहीं होगा जो इसकी वायरिंग है। और ये जो ओरिजिनल वाला आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो इसकी वायरिंग है ओपन आती है, बाकी चलने में दोस्तों ओरिजिनल भी काफ़ी अच्छा ही चलता है हमेशा। बाकी मेरे को लग रहा है जो ये आर्मेचर हमारा अल्फा वाला है ये भी कम नहीं है इससे, तो इस मशीन के अंदर हम बिल्कुल अल्फा वाला ही आर्मेचर डालेंगे। चलिए जो DCA वाला हमारा आर्मेचर है इसको हम वापस पैक कर देते हैं। दोस्तों रेट की बात करें तो DCA वाला जो आर्मेचर है हमारा लगभग आपको 350 रुपये का मार्केट के अंदर मिल जाता है, और जो हमारा अल्फा वाला आर्मेचर है आपको लगभग 280 रुपये का मिल जाता है। तो दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो ओरिजिनल तो खैर ओरिजिनल होता है, बाकी ये भी आर्मेचर हमारा बिल्कुल कम नहीं है। चलिए बैरिंग की प्लेट लगा दी हमने, गेयर भी इसका सेट कर दिया है, और इसको हमें बिल्कुल प्रॉपर पूरा टाइट कर लेना है इस टाइप से। 10 नंबर की चाबी का यूज़ होता है, और आर्मेचर को पकड़कर इस टाइप से आपको चाबी को रखकर, और यहाँ पे देखिए जो सेपरेटर है इसको भी लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, कभी बाई चांस आपका बैरिंग जब टूटता है डैमेज हो जाए तो उसकी गोलियाँ हैं जो बिल्कुल कम्यूटेटर के बीच में आर्मेचर में जाकर नहीं फंसे, उससे सेफ रखता है ये आर्मेचर को। तो ये देखिए रबड़ सीट यदि आपकी ख़राब है, लूज है, कटी हुई है, तो उसको भी आप चेंज कर दें। और ये देखिए इसको यहाँ पे हम आर्मेचर को यहाँ पे इसमें बिल्कुल सेट करेंगे, तो ये देख पा रहे हैं बिल्कुल ये हमने सेट कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद में जो हेड है हेड को हम लगाएंगे। हेड को लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ग्रीस इसमें नहीं है, तो हम इसमें जेल ग्रीस का यूज़ करें, क्योंकि गेयर के अंदर हमेशा हम हर मशीन के अंदर जेल ग्रीस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये अल्फा कंपनी का जेल है, एटलस का सॉरी। तो ये देखिए हेड के हम सभी पेचों को लगाकर बिल्कुल टाइट करेंगे।
तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, वन बाय वन आमने सामने के जो पेच हैं उनको टाइट करना है आपको, कभी भी एक पेच को पूरा टाइट नहीं करना है। और मशीन को बगैर कार्बन लगाए आपको हाथ से घुमाकर चेक कर लेना है, मशीन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने एक पेच इसका नहीं था, ये आगे का जो इसका जो डब्बी है इसकी, तो हमने उसको भी यहाँ पे लगा दिया है कार्बन बुश। हम इसके लगाकर ये देखिए, कार्बन बुश लगाते वक्त भी ध्यान रखें, कार्बन आपका बिल्कुल होल्डर के अंदर फ्री होना चाहिए, अटकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना जो मशीन है आपकी अच्छे से नहीं चल पाएगी और कार्बन भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आपके। ये देखिए इस टाइप से आपको चेक कर लेना है कार्बन को अंदर बाहर करके। तो ये देखिए दोस्तों, कार्बन जो कैप है उसकी चूड़ियों को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करना है। चलिए चलाकर चेक करेंगे मशीन का। तो दोस्तों मशीन का जो आर्मेचर है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल स्पार्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मशीन के अंदर, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए स्विच वगैरह को हमको सेट कर लेना है लगाते वक्त। दोस्तों स्विच का ध्यान रखिए, हमेशा उल्टा सीधा नहीं लगे, क्योंकि जो हैंडल पर मार्किंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो की तरफ ऑफ रहता है ये स्विच, और ये देखिए बाहर की तरफ एक लिखा हुआ है, यहाँ पे वन, वन की साइड ऑन होता है। तो चलिए एक बार सेट हो चुका है कंप्लीट हमारा, और ये देखिए मशीन हमारी बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है दोस्तों। बिल्कुल मशीन का जो साउंड है बिल्कुल वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल नए की तरह। मशीन का जो बैलेंस है, बैलेंस भी आप देख पा रहे हैं मशीन को, हमने बिल्कुल चलती हुई मशीन को फ्री छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक ही जगह बिल्कुल रुकी हुई है मशीन, आर्मेचर का जो बैलेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पर लगातार। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।